तो फिर से एक बार रवीन भाई को पूछते हैं अभी कैसा लग रहा है शादी है तो। और रवीन भाई आपको कैसा लग रहा है आपकी शादी है? बहुत अच्छा लग रहा है। फिर नाइट। हेलो गाइज, हम आए हैं अभी चुली गांव में, तो आज की शादी भी हमारे दोस्त की ही है गुलाब भाई के साथ में। उसे मिलने के लिए जा रहे हैं, शाम को कोई निष्ठार आएगी तो बजाएंगे, लेकिन पहले रवीन भाई को देखते हैं क्या कर रहे हैं वो सामने। ये रहा रास्ता रवीन भाई को घर पे जाने के लिए, और ये रहे हमारे ऑपरेटर रवीन भाई, ये रहे और इसकी शादी में जा रहे हैं अभी मंडप के पास में। हमारी गाड़ी के जाने के लिए रास्ता बना रहे हैं, तो अभी रवीन भाई के मंडप में घुसेंगे, एंट्री ठोकेंगे, यहाँ पे गाड़ी लग जाएगी। यहाँ भाई क्या है तो ये सांबे को खड़क कर गाड़ी पे चढ़ के दे देंगे। गीता रे अभी गीता यहाँ चालू है ये अड्डा। हम अभी क्या भैया केडल वाट जो हकता है रामानुज वाट जो होते लगता है। ये रहा मंडप रवीन भाई के पास में, आज मौज आ जाएगी। लाल वैसे भी ये हमारे ऑपरेटर है कि तो फिर से एक बार रवीन भाई को पूछते हैं अभी कैसा लग रहा है शादी है तो। और रवीन भाई आपको कैसा लग रहा है आपकी शादी है? बहुत अच्छा लग रहा है। फिर नाइट को मौज करेंगे, बहुत करेंगे। तो तेरे को किसने कमेंट किया था तेरे को नहीं नचा पाएंगे हम भाई, तू बहुत बड़ा है। दादून को तो हम लोगों ने नचा लिया, लेकिन तू बहुत बड़ा है। रवीन भाई को नहीं नचा सकते हैं, रवीन भाई हमारे ऑपरेटर हैं कोइन स्टार के, क्योंकि वो स्पीकर और सार फीस चढ़ाने के लिए हमारे ऑपरेटर रखे गए, और वैसे वो काम छोड़ के हमारा काम भी करते हैं, इसलिए इनका ब्लॉग भी डालना ज़रूरी था। हमको नाइट को पानी देना और खाना पूछने के लिए आते हैं बार बार, इसलिए रवीन भाई का भी ब्लॉग आएगा और नाइट का वीडियो फुल एंजॉय करना दोस्तों। अभी हम ये सिर्फ ट्रेलर है, तो बाय बाय, शादी में मिलते हैं नाइट को।